नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेंटाडीन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, अमेंटाडीन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अमेंटाडीन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि अमेंटाडीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अमेंटाडीन टैबलेट का उपयोग पार्किंसंस डिजीज होने पर किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज सिर में चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। पार्किंसंस डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कंपन होना, हाथों व पैरों की गति धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशानी होना और मांसपेशियों में अकड़न होना आदि लक्षण पार्किंसंस डिजीज होने पर हो सकते हैं। अमेंटाडीन एक सॉल्ट नेम है। अमेंटाडीन टैबलेट को अमेंटल और अमेंटेक्स आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। अमेंटाडीन टैबलेट 50 mg, 100 mg, 129 mg व 193 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अमेंटाडीन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में अमेंटाडीन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, मुंह में सूखापन, पैरों में सूजन होना, ब्लड प्रेशर कम होना, नींद न आना, ध्यान लगाने में परेशानी होना और कब्ज होना आदि साइड इफेक्ट्स अमेंटाडीन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अमेंटाडीन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। अमेंटाडीन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर अमेंटाडीन 100 mg टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं और अमेंटाडीन 129 mg टैबलेट को डॉक्टर दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। अमेंटाडीन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको अमेंटाडीन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि अमेंटाडीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अमेंटाडीन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को अमेंटाडीन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए अमेंटाडीन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अमेंटाडीन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अमेंटाडीन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।